हाय फ्रेंड्स, इंडिया बिनोकुलर शॉप में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो तीन मोनोकुलर्स, ब्रांडेड मोनोकुलर्स, कई लोग क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, उनको ब्रांडेड मोनोकुलर्स चाहिए। तो हमारे पास तीन मोनोकुलर्स हैं, दो ब्रेसर के और एक सागा का ईडी मोनोकुलर। तो मोनोकुलर्स जो है डिफरेंट पर्पस के लिए, बर्ड वॉचिंग, कैंपिंग, हाइकिंग, आउटडोर एक्टिविटी, कैंपिंग, ट्रैवल, स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए यूज़ होते हैं। तो इस तरह से तीन बॉक्स में आते हैं। अंकुश आपको बताएंगे किसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज हैं और उसके क्या फीचर्स हैं और कैसे यूज़ होता है। तो पहले आप ये सागा का देख रहे हैं, ऑरेंज कलर के इस तरह से बॉक्स में आता है। इसमें ये कैसे क्या क्या आता है ज़रा बताइए। सागा का इस तरह से ये डीलक्स पैडेड केस में आता है, पीछे बेल्ट की क्लिप भी है तो आप बेल्ट में लगा सकते हैं। और एक कैटलॉग है इसका, साथ में ये मोनोकुलर है, आगे पीछे इसके रेन गार्ड्स हैं और कैसे यूज़ होता है वो बताइए। साथ में थ्रेड है इसके लगा हुआ, मल्टी कोटेड है, ये ईडी ग्लास में है। इनफैक्ट 10x42 है, आप देख रहे हैं, फुली मल्टी कोटेड, वाटर प्रूफ और ईडी ग्लास में है। कैसे यूज़ होना है वो बताइए आप, कहाँ कैसे क्या करना है। तो अगर आप स्पेक्स यूज़ नहीं करते तो आप इसको ड्रॉ आउट कर सकते हैं पीछे आई कप को, और यहाँ से बीच में से रिंग में से ये फोकस होगा। और इसके व्यूज़ कैसे आएंगे वो हम आपको बताते हैं। और इसके जो बाकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सागा का ये 42mm 10x पावर में बैक पोर है और 113 मीटर का डिस्टेंस दिखाता है 15mm आई रिलीफ के साथ। अब आगे चलते हैं, ब्रेसर का 10x42, ये भी बैक फोर मल्टी कोटेड लेंसेज में आता है और इसमें 10x पावर और 42mm, ये भी सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ है। कैसे दिखता है अंकुश आपको बताएंगे कैसे यूज़ करना है। तो इस तरीके से ये आता है, आप देख रहे हैं, और ये इसके मल्टी कोटेड लेंसेज हैं। यहाँ से आपने देखना है ट्यूब ड्रॉ आउट करके, और फोकस कहाँ से होना है, यहाँ से फोकस होगा ये। और एक अच्छा मोनोकुलर है, नायलन बैग के साथ आता है, हैंड्स इसके साथ। और क्या क्या आता है बताइए, ट्राईपॉड कहाँ लगेगा, ये इस तरह से बैग आता है, इसमें कैटलॉग आता है, क्लीनिंग क्लॉथ है, एक स्ट्रैप है, और ये यहाँ पर ट्राईपॉड लग जाता है। ये मेटल का अगर आप रिमूव करते हैं तो किसी ट्राईपॉड पर भी आप इसको लगा सकते हैं। थ्रेडिंग है, स्टैंडर्ड थ्रेडिंग है, करीब 350 ग्राम का ये है, 10x पावर है, करीब 3 मीटर पे आपको फोकस करता है। तो आगे चलें, ये थर्ड मोनोकुलर है, 12x50 वाटरप्रूफ में है, बैक फोर मल्टी कोटेड है, फुली मल्टी कोटेड, ब्रेसर का थोड़ा बड़ा साइज़ है इनमें दोनों के मुकाबले। तो इसमें क्या क्या आता है बताइए साथ में। इस तरीके से ये पाउच में आता है और ये मोनोकुलर है, इस तरह से स्ट्रैप है, हैंड में डाल के आराम से देख सकते हैं, टाइट कर सकते हैं जहां आपको चाहिए कंफर्ट है। और इसके भी रबर कैप्स, डस्ट कैप्स हैं, 12x50 वाटरप्रूफ है, बैक फोर फुली मल्टी कोटेड, यहां से फोकस होगा। आपको ऑफकोर्स कैप्स रिमूव करनी पड़ेंगी देखने के लिए आगे पीछे की। और 12x पावर है, 87 मीटर आपको दिखाता है, 1000 मीटर के डिस्टेंस पे। नाइट्रोजन फिल्ड है, 405 ग्राम है, और ब्रेसर लोगो आप देख रहे हैं 12x50, एक अच्छा मजबूत पीस है। अगर आपको लेना हो हमारी साइट पे मिलेगा। इनसे फ़ोटो कैसे दिखाई देती है आइए अब उस पर देखते हैं। फ़ोटो देखने के लिए पहले आपको मोबाइल फ़ोन अडेप्टर चाहिए होगा, बहुत ज़रूरी एक्सेसरी है। तो आइए देखते हैं अब कि कैसे इसमें फ़ोटो इससे ले सकते हैं, फ़ोटो कैसी आती है।